हिजरत का दूसरा साल था। वो जिन्होंने मक्का में जिंदगी को तंग कर रखा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे तो उन्होंने जंग का मैदान गरम कर दिया। ये ग़ज़वा बदर का मौका है। सैयदना अली कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इस मार्के की रात मैंने देखा, मेरे दिल में आया मैं जाऊं देखूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौके पर क्या दुआ कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि आप अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं, या हय्यू या कय्यूमु बिरहमतिक अस्तगीस, ए जिंदा और कायम रहने वाले मैं तेरी रहमत के साथ मदद तलब करता हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरियाद की तो अल्लाह ताला ने हक को हक और बातिल को बातिल करके दिखा दिया। ये पहला मौका था जब मुसलमानों की आइडेंटिटी को कबूल किया गया। ये बहुत खास दुआ है अल्लाह ताला के दो अहम नामों से, हय्यो कय्यूम से। दुआ है रहमत की, जो फरियाद करे अल्लाह ताला उसकी फरियाद रसी करते हैं। किसी भी मौके पे, किसी भी परेशानी में, किसी भी मुश्किल में अल्लाह ताला से यूं दुआ कर लीजिए, अल्लाह ताला आपकी परेशानियों को दूर कर देंगे इंशाअल्लाह। दुआ कर लें, दुआ इबादत है, दुआ हिफाजत है, दुआओं पर इन्हिसार है, दुआओं का हिसार है।